याद आ गया पुराना टाइम गाइस। ये देखें किचन बहुत प्यारा है, तो उसमें ये खाना शाना पकाते हैं, इधर परिंदे वगैरह की आवाज़ें भी आ रही है, इसकी बकरियां वगैरह, ये मिट्टी गाइस पानी रखने वाला। जैसे मैं आपको अपने घर में दिखा रहा था पंहारी, ये मुझे ऐसा लगता है कोई 15-20 साल पुरानी होगी, ये 30 साल मेरे समय से बहुत पुरानी है। 30 साल पुराना गाइस ये देखे। तो बाइक ने मैंने बह निकाल दिया, घंटे डेढ़ की दूरी पे मैं जा रहा हूँ। तो आप भी बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि आसपास के गांव दिखाएं, तो आज ना इंशाल्लाह किसी का मैं आपको घर अच्छे से दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह घर भी बहुत ही अच्छा है। तो अब ना चलते हैं गाइस, और आपको डिटेल से बताती हूँ, चलती हूँ, मौसम खराब है वरना आपको भी लेके चलता। तो एक उन मैं जाऊंगा शाम तक, मैं वापस ही आ जाऊंगा, बंदा रुक सकता। हाँ 5 मिनट भी बैर नहीं रुक सकता गाइस, बहुत ज्यादा गर्मी है। सुबह टाइम दिन के बज रहे 10:30, हमारे तरफ से सभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, उसके ना घर अभी मैं जा रहा हूँ, तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, कोई 11:30-12 बजे मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो मुझे बहुत दिन से कह रहा था कि आपने मेरी वीडियो बनाए, तो इससे ये होगा मेरा भी थोड़ा बहुत चैनल चल जाएगा और कोई मतलब मेरी हेल्प कर देगा। तो सीखन का वाल साहब बड़ी उम्र का, तो उसी ने भी मुझे कहा था, तो मैं 5-6 बार बोला है, तो अब ने चलते हैं। तो आज मैं फार्क भी बैठा था, और आप भी बहुत कमेंट कर रहे थे कि आपने आसपास के गांव दिखाएं, आप भी कुछ घूम शुम लोगे और मैं थोड़ा नया ताजा हो जाऊंगा। तो अब नहीं चलेंगे उस भाई घर, तो बीच के निजार घर आपको मैं नहीं दिखाऊंगा। जैसे आप कमेंट करते रोड वगैरह के तो हमें अच्छे नहीं लगते, तो सीधा चल के भाई घर मिलेंगे। मुझे दौरा आ रहा है, बहुत गर्मी का, अपने मैं बाइक निकालता हूँ और चलते हैं। और अपने मैं उमरकोट शहर क्रॉस कर रहा हूँ, और उसी के बाद मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा भाई घर। अगर मैं बीच का वीडियो बनाऊंगा ना, तो मुझे पता है आपने वीडियो छोड़ दोगे तो उस वजह से अभी तक वीडियो छोड़ना नहीं गाइस। इंशाल्लाह आपको भाई का घर अच्छा लगेगा। सो गाइस अपने मैं उस भाई के घर पहुंच गए हूँ, आपको ना अच्छे से उसका घर दिखा, तो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा घर है। और आप भी बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि आसपास के जो गांव है वो दिखाएं, तो उस भाई ने मुझे तकरीबन 1.5 मंथ से ये कह रहा है कि आ जाओ मेरे पास, तो मैं आपकी दावत करता हूँ। तो बहुत दिन हो गया था कह रहा था, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था। तो आज मैं एक आया हूँ, गोरी को नहीं लेके आया, तो बैटरी को नहीं लेके, क्योंकि मौसम ज़्यादा ख़राब है। 2 घंटे मुझे लगे बाइक पे। ये सोलर देखें छोटी सी, तो इससे ना ये मोबाइल चार्ज करते हैं। तो इस बाइक को आपने शायद देखा होगा व्लॉग में, ये व्लॉग बनाता है, ये भी बनाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक हो भाई? क्या हाल है? ठीक हो? ये क्या कर रहे हो? टेप? ये टाइप टेप बजा रहे हो? नहीं बजा, ये पुराने जमाने का है भाई, ये चलता नहीं है, पुराने जमाने का नहीं। रेडियो नहीं चलता? नहीं रेडियो चलता है, लेकिन अब कम चलता है। अच्छा, याद आ गया पुराना टाइम गाइस। ये देखें, असल ये एक इन भाइयों का कमरा है, देखें गाइस। तो ये 2 भाई हैं, एक ये और उसके वाल साहब है, वालदा हैं, दोस्त की बहनें, तो ये 6 फैमिली मान, तो 2 6 फैमिली में रहते हैं। तो बहुत टाइम से ये मुझे दोनों भाई कह रहे थे कि हमारी वीडियो बनाएं, शायद कोई मतलब बहन भाई हमारी हेल्प कर दें। तो इनको कहा कि आप साफ सुथरा देख रहे हो, तो ये एक सफाई है, बाकी ये बेचारे गरीब हैं, ये थोड़े मेरे से दूर हैं, तो उस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। आपको पता है इधर पहले मेरा घर होता था, तो ये दोनों भाई मतलब इनसे मेरी बातचीत होती थी। तो उसी के बाद जैसे मैं आसपास के जो गांव हैं उनकी मैं हेल्प करवा रहा हूँ, घर वगैरह बनवा के दे रहा हूँ। तो ये मतलब घर नहीं बनवाना चाहते, क्योंकि इनकी अपनी जमीन नहीं है, सही। तो अगर आप में से कोई पक्का घर बना के देगा, पैर भी इनके काम का नहीं है। यहाँ पर हमारे जो भी हेल्प कर सके, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा हमारे ऊपर कर्जा लगा हुआ है। सो कोई भी बहन भाई अगर हेल्प करे, तो रूमी भाई से या उसके बैंक अकाउंट से कोई भी आप कर सकते, जितनी भी हेल्प हो सके किसी से भी। सो हमारे भी यहाँ पर और कोई यहाँ वगैरह ऐसी दिहाड़ी वगैरह नहीं है, या मजदूरी वगैरह कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो हमने बहुत दिनों के बाद रूमी भाई को यहाँ पर इनवाइट किया था, बट रूमी भाई भी अपने मसूबियात की वजह से आज आए हैं, तो हमें भी बहुत खुशी हुई है। तो इन भाई से गाइस मैंने मिला हूँ, तो खाना शाना मैंने गाइस खा लिया है, तो अब निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपको अच्छे से पूरा इनका घर दिखाता हूँ, तो उसी के बाद जाएंगे। तो इसी का जो चैनल है उस पर मेरा वीडियो आ जाएगा, तो वो ना आप जरूर देखना, तो इनके चैनल को भी आप सपोर्ट करें। ये देखें गाइस, ये एक इनका कमरा है, ये सारा कच्चा है, ये मिट्टी का बना हुआ, जैसे हमने मिट्टी का बनाया हुआ है इस तरह का है। तो ये इनकी सोलर है, आपके पास एक ही मोबाइल है? सोलर पर भी भाई साहब मोबाइल अच्छी तरह चार्ज नहीं होता नहीं होता है मोबाइल मोबाइल कितने का लिया था? मोबाइल 12 हजार का। अभी चार्ज सही होता है? चार्ज यार नहीं होता, दिन में 50 पॉइंट भी नहीं होगा। अच्छा, सोलर छोटी है तो उस वजह। चलो अल्लाह खैर करेगा। और ये इनका किचन माशाल्लाह, इस जगह छोटा सा किचन बहुत प्यारा है, तो उसमें ना ये खाना शाना पकाते हैं, इधर परिंदे वगैरह की आवाज़ें भी आ रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ है। ये चूल्हे वगैरह ये देखें गाइस, और इस तरफ ये देखें गाइस इसकी बकरियां वगैरह, ये मिट्टी गाइस। तो लेपाई वगैरह आप करते हो कि नहीं? जी बिल्कुल, लेपाई ये सारी हमारी की हुई है। अच्छा, ये लेपाई वगैरह गाइस करते हैं, और ये बकरियां आपकी है? नहीं नहीं, बकरी हमारी नहीं है, ये किसी और हमारी। अच्छा, किसी और की गाय? इधर गांव में ऐसे होता है कि आप देखते होंगे कि बकरियां भैंसे वगैरह गाय वगैरह ये ज्यादा होती है, लेकिन ये इनकी अपनी नहीं होती है, अक्सर से ना वो मतलब किसी और की होती है, सही? सही, बिल्कुल किसी और की है।
भाई कह रहा है कि हमारी होती ना और हमें क्या चाहिए। तो अब मैं आपको गाइस आगे दिखाऊंगा, ये गाइस पानी रखने वाला, जैसे मैं आपको अपने घर में दिखा रहा था पंहारी, इसी को पंहारी कहते हैं। ये देखिएगा बहुत सारे ये दिले रखे हुए हैं और इस तरह का ये गाइस। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये मुर्गियों का घर बना हुआ है, बड़े मुर्गी हमारे पास 15-16 थी, सारी मर गई, मर गए, मर गए, एक भी नहीं, एक भी नहीं, बीमारी आई थी ना, हाँ यार बीमारी, बीच में बीमारी आई थी मेरे पास मुर्गी, अभी तक मतलब एक नहीं मरा, अल्लाह पाक शुक्र है, मर गई इधर नहीं है कोई भी नहीं है। और ये भी मुर्गियों की घर, ये मुर्गियों घर, ये भी गाइस। तो ये गाइस इसका भाई घर है इस तरह का, और अभी इधर खेत है, उधर ट्रैक्टर चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, तो उसकी ना आवाज मतलब टाइप की बहुत ज्यादा दे दी है। जैसे कहा ये ना कमरा मैंने आपको दिखा दिया, अब नहीं ये कमरा भागाता हूँ, उसी के बाद ये दिखाऊंगा स्टेप टू स्टेप, इनका रहना देना दिखाएंगे। तो ये देखेंगे इस तरह का ना मतलब भाइयों का सेटअप है, तो दो चार पाया इधर भी है, तो ये इस तरह कुछ सेटअप है, ये पेंती जो छोटी हुआ करती थी वो है गाइस। और ये देखेंगे नहीं गाइस, और दरवाजे भी नहीं है, जो उनके घर है उनके ऊपर एक एक दरवाजा होना लाजमी है, लेकिन जो गरीब होते हैं वो नहीं कर पाते। सही बात है, बात सही है। तो बारिश में या पानी में जो है ना वो गेट से सीधा अंदर आ जाता है, रूम में अंदर आता है, मुझे ये पानी गल कह रहे अंदर आ जाता है। और ये देखेंगे बर्तन वगैरह, ये मुझे एक चीज बहुत पुरानी लग रही है, ये मुझे ऐसे लगता है कोई 15-20 साल पुरानी होगी, ये 30 साल मेरे समय से बहुत पुरानी है, 30 साल 30 साल पुराना गाय थी ये देखे वो। तो ये ना मतलब गांव में जो कच्चे घर होते हैं ना उनमें आपको ऐसी चीजें बहुत सी मिलेगी। तो ये टैप, टैप कितना टाइम पुराना है, टैप भी 20-25 साल का होगा, मैं 20-25 साल का जी। और ये संभाल के रखे हुए हैं, चलते नहीं है। तो इधर कुछ ये लिखा हुआ है गाइस, ये क्या लिखा हुआ है, ये मैंने लिखी थी यार 19/1/2021, ओए 2021 3 साल इसको भी गाइस हो गई। तो ये यादें हैं गाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छा सेटअप लगा हुआ है भाई का, उनका एक कमरा रहता है उसमें क्या क्या चीज़ें वो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसी के बाद अब जाएंगे वापसी, क्योंकि टाइम नहीं गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है मैं एक हूँ बाइक पे, तो जल्दी जल्दी जाऊँगा, 1.5 घंटे में पहुँच जाऊँगा। तो मौसम भी खराब है लेकिन भाई बहुत बहुत ज़्यादा केयर रहते हैं। तीसरा कमरा गाइस ये देखेगा माशाल्लाह बहुत प्यारा है घर, ने माशाल्लाह बहुत अच्छे लगे ये इस तरह के। तो ये जो रूम है ना वो मैं आपको बताऊं, ये मेरे समय से 2010 के यहाँ पर फ्लोड आई थी, तो उसमें भी यहाँ डूब तो गया बट गिरा नहीं है। अच्छा, ये टूट गया इस तरह, ऐसे लग रहा है ये सारे लकड़ी टूटी हुई आ गई। अच्छा, इसके ऊपर बांस की लकड़ी वगैरह डाल दे वो सही नहीं है जी, बांस की लकड़ी यार, बांस की लकड़ी यहाँ इतने पैसे वगैरह नहीं है, उस वजह से नहीं कर सकते यार। अच्छा, और ये फ्री में सारी नहीं, हाँ ये सारे फ्री, ये गांव में होता है ये लकड़ी वगैरह सारी फ्री की मिलती है। ये देखेगा ये घास बकरी वगैरह का, तो सुबह करके आते हैं फिर शाम को करके आते हैं। तो ये इनका वाल साहब है गाइस, दो ये भाई हैं, तो ये बिस्तर वगैरह गाइस कुछ इस तरह का सेटअप है। सुबह ये मैंने आपको दिखा दिया भाई का घर, रहना देना घर तो नहीं बनवा सकते क्योंकि ये किसी और का प्लाट है, किसी और की जमीन है, मतलब इनका कर्जा इनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो ये तीनों मतलब एक इनका वाल साहब, ये दो इनके बेटे, ये बहुत ज्यादा टेंशन में, तो कोई बहन भाई इनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर देगा तो इनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। सो इन भाइयों का मैंने घर आपको दिखा दिया, लेकिन टाइप का बहुत बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है क्योंकि इधर ट्रैक्टर चल रहे हैं, तो बहुत आवाज ही आ रही है हमारे। तो यहाँ पर जो पानी वगैरह नहीं है क्योंकि यहाँ पानी जो साल में होता है मेरे समय 6 महीने चल रहा है, 6 महीने, हाँ 6 महीने चल रहा है, ज्यादा नहीं, तो इस वजह से मजदूरी होते हैं, यहाँ कोई भी सिस्टम नहीं है। सो यहाँ जैसे गर्मियों का टाइम आते तो हम ऐसे ही फ्री बैठे रहते हैं, सो कहीं भी यहाँ ढूंढते भी ज्यादा है बट वो मजदूरी वगैरह हमें नहीं मिल पाती, इसलिए हम यहाँ पर फ्री बैठे हुए हैं। तो किसी भी बहन भाई को यहाँ हेल्प करनी चाहिए तो वो हमारी कर सकते हैं, क्योंकि रूमी भाई को हमने बहुत दिनों से कहा तो इसका बहुत बड़ा हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, तो हमने बहुत बार इनवाइट किया था क्योंकि इसके बाद में इसको टाइम वगैरह नहीं है, सो ये अपने यहाँ पर व्लॉग वगैरह में बिजी रहता है, तो इस वजह से सो हमारे गाँव आया है, सो इसलिए इसका बहुत वेलकम कहते हैं। तो अपने इनकी 3-4 बकरियाँ हैं, मतलब वो ना किसी और की है, लेकिन इसको पैसे मिलते हैं इस तरह, मतलब अगर एक बकरी 10,000 की ली तो वो जब भेजेंगे तो मतलब अगर वो बकरी और उसके जो बच्चे हैं वो अगर 30-40 हज़ार करेंगे तो 10,000 निकालेंगे, बाकी जो पैसे होंगे ना उसमें आधे उस मालिक को मिलेंगे आधे इनके मिलेंगे। ये बकरियां गाइस ये देखें, दो ये छोटी बकरियां हैं, एक ये बड़ी बकरी है, उस तरह का माहौल लगा हुआ है। ये देखें गाइस आगे जंगल जंगल है पूरा, तो उस तरह की सेटअप है माशाल्लाह। ये देखें गाइस तो उनके घर गाइस मैंने आपको दिखा दिए, तो अब मैं जाऊंगा वापसी क्योंकि टाइम नहीं है, ज्यादा टाइम हो गया है। सो गाइस टाइम शाम के बज रहे हैं 5, तो अब मैं आ गए वापसी। हवा इतनी गाइस थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी, गर्म हवा गाइस ऐसी लग रही थी आपको क्या है, तकरीबन 1 घंटा मुझे हो गया डेढ़, तो मैं पहुंच गया हूँ, तो थोड़ा बहुत मतलब हाथ मुंह धुलाई किया है, तो देखने जैसा हूँ। धूप न गोरी इतनी थी, अगर आप साथ होती ना तो आप कहती कि कभी बे निकलना ही नहीं, उसी वजह से मैं नहीं लेके जा रहा था, मैंने कहा काम ज्यादा है, गए थे ना उस दिन भी ज्यादा थी, उस दिन गर्म हवा ज्यादा थी, ये मेरे गले हैं
ये टूट गई, बारिश आ रही है ये देख। हाँ मौसम लगा हुआ है, शायद बारिश वाला, शायद बारिश आज। ये देखा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो भाई का गाइस मैंने आपको रहना देना दिखाया, तो मेरे ख्याल से आप दोस्तों को पसंद आया होगा। तो अपने इंशाल्लाह इधर ना आसपास के गांव वो मैं आपको दिखाता रहूंगा। सो अपने व्लॉग कर दें इधर रहने। तो यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खैर आप और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।